इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने यूएसबी में मतलब जो रिकॉर्डिंग हो वो हम कैसे बैकअप ले सकते हैं। तो ये मेरे पास यूएसबी है, तो ये मैं डीवीआर में इंसर्ट करता हूँ। ये मेरे पास एक्सवीआर है, सॉरी। जब ये मैं इंसर्ट करता हूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, तो ये हम क्लिक करते हैं फाइल बैकअप। फाइल बैकअप तो हमें ये मतलब पैथ मांग रहा है, तो हम ब्राउज़ पर क्लिक करते हैं। यहाँ एक न्यू फोल्डर बनाते हैं, न्यू फोल्डर में लिखते हैं वीडियो। सिंपल, आपको जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। ये हमारे पास फोल्डर बन जाएगा। हमको इसमें मतलब जो भी बैकअप लेना है इसमें लेंगे, इसमें सेव होगा। ओके पर क्लिक करते हैं, मतलब ठीक है। अच्छा, हमें एक कौन कौन से कैमरों की रिकॉर्डिंग बैकअप चाहिए, तो हम वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ ऑल की, A2, A1, A4, 4 चैनल की या 3 1 चैनल की या ऑल की, हम ऑल ही सेलेक्ट करते हैं। मतलब यहाँ टाइप टाइप कौन सी, अलार्म, इमोशन, मोशन डिटेक्शन, जर्नल या पिक्चर, जो मतलब AI ऑप्शन आता है वो पिक्चर टेक करता है। 10 मिनट की वीडियो होती है वो। अच्छा, तो स्टार्ट टाइम मतलब कौन से टाइम तक बैकअप लेना है आपको, तो वो हम यहाँ टाइप कर देंगे 22। यहाँ पर भी मतलब एक, ठीक है, यह ऑटोमेटिक। यहाँ भी अपना डेट तो मेंशन है, लेकिन टाइम मेंशन कर देंगे और फिर सर्च पर क्लिक कर देंगे। नो रिस्क, नो रिस्क इसलिए आ रहा है मेरे पास कि मेरे पास कोई मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए नो रिजल्ट आ रहा है। तो वेट करें, मैं यहाँ पर 22, यहाँ पर 4 ही लिख देता हूँ। 4 मिनट, ठीक है, सर्च करता हूँ। नो रिजल्ट, मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है क्योंकि मैंने ये हार्ड डिस्क फॉर्मेट की थी, लेकिन आप जब सर्च करेंगे तो आपके पास आ जाएंगी। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर देंगे, जब सेलेक्ट कर देंगे बैकअप पर क्लिक करेंगे तो आप ये सब वीडियो आपके फोल्डर में बैकअप हो जाएगी, ठीक है। और एक मसला यहाँ आता है कि जो भी मतलब आपको बैकअप लेना है तो मस्ट आपको यूएसबी फॉर्मेट करनी पड़ेगी, लेकिन मैं फॉर्मेट नहीं कर सकता क्योंकि इम्पोर्टेंट फाइल्स पड़ी हुई है, इसलिए मुझे फॉर्मेट नहीं करना। तो आप पहले फॉर्मेट करेंगे, फिर यहाँ से डेट एंड टाइम, कौन से मतलब कैमरे की बैकअप लेनी है वो सेलेक्ट करेंगे, डेट एंड टाइम सेलेक्ट करेंगे, सर्च पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी। तो बैकअप पर क्लिक करेंगे तो बैकअप आपके यूएसबी में सेंड हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।